तो चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली जेडीयू ऑफिस में पोस्टर लग चुके हैं और लिखा प्रदेश ने पहचाना देश भी पहचानेगा। आज से दो दिनों तक जेडीयू की बैठक होने वाली है, चुनावों के मद्देनजर मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही अटकलें हैं कि ललन सिंह पद छोड़ सकते हैं, हालांकि इस खबर को खारिज किया जा रहा है पार्टी की तरफ से। लेकिन आपको बता दें कि आज से दो दिनों तक मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर यह है कि पोस्टर लगाया गया है और कहा गया है कि प्रदेश ने पहचाना, अब देश पहचानेगा। दिल्ली जेडीयू दफ्तर में यह पोस्टर लगा हुआ है और वहीं अटकलों के बीच नीतीश कुमार का कहना है कि हर साल एक बार बैठक होती है, यह सामान्य बैठक है, नॉर्मल है, हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं है। तो सवाल ये भी बना हुआ है कि क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदलेंगे। गठबंधन में साथी और बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव का कहना है कि महागठबंधन एकजुट है, सिर्फ सरकार के काम से ध्यान भटकाने की कोशिश हो रही है। सुनिए आप भी। कंफ्यूजन क्रिएट करना चाहते हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? अब कोई बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई, कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दो दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे, तब भी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने, लेकिन दो दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है? अरे हर पार्टी का राष्ट्र स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है, हम लोगों का नहीं हुआ था क्या? कालकटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था, तो इस तरह की बेकार की बातें हैं। तेजस्वी यादव का बयान आपने देखा और सुना, लेकिन आपको बताएं कि दिल्ली जेडीयू ऑफिस में पोस्टर लगे हुए हैं, लिखा गया है प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा। नीतीश कुमार की तस्वीर और उसके अलावा पोस्टर, प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा, ये दिल्ली जेडीयू दफ्तर में पोस्टर लगा हुआ है और वो हम दिखा भी रहे हैं आपको, और इससे पार्टी के भीतर जो फीलिंग है उसका अनुमान किया जा सकता है। लिखा गया इस पोस्टर में कि प्रदेश ने पहचाना और अब देश भी पहचानेगा। बिल्कुल, और बताएं कि जेडीयू की दो दिनों तक बैठक होने जा रही है, आज से ये बैठक शुरू होगी। नीतीश कुमार ने पार्टी अध्यक्ष पर भी जवाब अभी नहीं दिया, लेकिन लगातार ये बात कही जा रही है कि इस तरीके की जो खबरें सामने आ रही है उसका कोई फायदा नहीं है, उसे खारिज किया जा रहा है। लेकिन जेडीयू में जो पोस्टर जेडीयू की तरफ से लगाया गया है, वहां पर यह देखने को मिला कि ललन सिंह की तस्वीर उस पर नहीं है। अंकित मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अंकित, एक तरफ कहा यह जा रहा है कि जो खबरें जो अटकलें सामने आ रही हैं कि ललन सिंह पद नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन जो पार्टी दफ्तर के सामने पोस्टर चस्पा किया गया है उसमें ललन सिंह नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल जय, फिलहाल मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखाता हूँ जहाँ पर ये जेडीयू का जो कार्यालय है दिल्ली में, ये वो जेडीयू का कार्यालय है जिसके प्रवेश द्वार पे ही नीतीश कुमार की एक तस्वीर है, उसके सामने लिखा हुआ है प्रदेश ने पहचाना, अब देश भी पहचानेगा, यानी कि केंद्रीय राजनीति में एक तरह से नीतीश कुमार की दस्तक की बात कही जा रही है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या जिस बात का आप जिक्र कर रही है ना, देखिए यहाँ पर तमाम इस तरीके के होर्डिंग्स लगाए गए हैं, पोस्टर्स लगाए गए हैं, जनता दल यूनाइटेड के केंद्रीय कार्यालय में हार्दिक स्वागत है, और ये अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश है शैलेंद्र कुमार, उनकी तरफ से लगाए गए हैं। इसी तरीके के यहाँ पर कई सारे आपको होर्डिंग्स नजर आएंगे, नीतीश कुमार की तस्वीर है जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है शैलेंद्र कुमार, उनकी तस्वीर है, लेकिन ललन सिंह की नहीं। अब एक और आपको तस्वीर दिखाता हूँ, एक पुराना होर्डिंग जो कि यहाँ बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, किसने लगवाया है? शैलेंद्र कुमार प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली के जेडीयू के, उन्होंने ये होर्डिंग लगवाया है, लेकिन इसमें तीन तस्वीरें हैं, नीतीश कुमार, ललन सिंह और संजय झा की। लेकिन अब यही शैलेंद्र कुमार जब नए होर्डिंग्स लगवा रहे हैं, पोस्टर्स लगवा रहे हैं, तो उसमें जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज की तारीख तक ललन सिंह, उनकी तस्वीर गायब है, और इसी वजह से इस तरीके के कयास लग रहे हैं, अटकलें उठ रही हैं। देखिए तस्वीरें ये अपने आप में बहुत कुछ बोलती हैं कि कुछ दिनों पहले लगाया गया पोस्टर और होर्डिंग, उसमें ललन सिंह की तस्वीर, और लेकिन आज जब जेडीयू कार्यालय में नीतीश कुमार को आना है, वहां पर जो पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए हैं उसमें जितने भी पोस्टर और होर्डिंग लगाए गए हैं सब में से वो तस्वीर गायब है, और ये लगवाने वाला कौन है? जो अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश जेडीयू के शैलेंद्र कुमार, और इसी वजह से अब यहाँ एक सवाल उठ रहा है, भले जेडीयू के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा हो कि ललन सिंह को लेकर के ऐसी जो खबरें चल रही हैं सब भ्रामक हैं, कोई ऐसी अहम बात नहीं हो रही है, लेकिन
जब ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ सवाल खड़े करती हैं, और वही जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल अंकित, आप जितनी भी तस्वीरें दिखा रहे हैं उनमें से सिर्फ एक तस्वीर में ललन सिंह की तस्वीर नजर आई, और आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो हैं जेडीयू के, उनके द्वारा ये सारे पोस्टर्स लगवाए गए हैं। अभी कितने बजे से वहां पर बैठक शुरू होनी है आज? जी जैसे कि जानकारी मिली है कि नीतीश कुमार जो है कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और दोपहर बाद से बैठक शुरू होगी, लेकिन इस वक्त जो है जेडीयू कार्यालय पर जो काफी हलचल है, और हलचल की वजह यही है कि यहाँ पर जो नीतीश कुमार बैठक करने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा का जो विषय तो अब यही पोस्टर्स और होर्डिंग्स बन गए हैं, क्योंकि अब सवाल ये है कि जब नीतीश कुमार यहाँ बैठक के लिए पहुंचेंगे ललन सिंह होंगे साथ में, नहीं होंगे क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो ऐसे में ललन सिंह की भूमिका क्या होगी, नीतीश कुमार को लेकर के जो जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं, खबरों पर अपडेट पर नजर हमारी होगी, दर्शकों तक आगे भी जानकारी देंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।